एक क्लिक में आपका फोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे और सिंपली आज हम आपको इसी वीडियो के थ्रू ये बताएंगे कि आप एक क्लिक जैसे ही करेंगे और आपका फोटो का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, ठीक है? नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको स्किप करना है तो आप सिंपली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है, आपको कुछ भी अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हो तो आपको समझ के जाने चाहिए, ये नहीं कि आधा ज्ञान लेके चले जाएँ, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली दोस्तों आपको फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सआर्ट, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। साथ ही में मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप गूगल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है और पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपको जो आपके फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड चाहिए उस बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपली अभी हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरे को जो पिक के पीछे बैकग्राउंड चाहिए अपना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने देख सकते हैं आप बैकग्राउंड ले लिया है, ये हमारे पिक के पीछे बैकग्राउंड रहेगा। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको अपनी एक फ़ोटो लेनी पड़ेगी जिसका बैकग्राउंड आपको इरेज करके इसके ऊपर लगाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर ऐड फोटो करके ऑप्शन मिल रहा है नीचे, तो आपको ऐड फोटो पर सिंपली क्लिक करके अपना वो फ़ोटो ले लेना है जिसके पीछे का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने इमेज को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा इरेजर का, राइट रॉन्ग के बीच में आपको इरेजर का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चुटकियों में आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा, तो उसका मतलब यही है दोस्तों। नीचे आपको देख सकते हैं ऑप्शन मिल रहे हैं ब्रश के, इरेजर के, उसके साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है एक मैन बन रखा है, उस पर आपको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सर्कल घूमने लगेगा और इसके बाद में ये अपने आप आपको ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने हमारे फोटो को सिंपली सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे कि अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, तो उसके लिए फिनिशिंग के लिए आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा यहाँ से आप इरेजर ले लीजिएगा, और इरेजर को लेके आपको हल्का हल्का जूम करके इसको सिंपली आप थोड़ा थोड़ा गायब कर दीजिएगा जिससे कि आपके फ़ोटो में फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि यार ये ऑटो करता है, तो इसके चलते आपको थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग लाना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इरेजर ले लिया, और इरेजर ले कर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ से आप इरेजर का साइज़ छोटा कर दीजिए जैसे कि आपको कॉर्नर वाली जगह करनी है, जैसे कि मैंने अभी कर दिया है छोटा साइज, तो इसके हिसाब से आपको इरेज कर लेना है, साइज़ को छोटा बड़ा कर लीजिएगा, ऑप्टिमाइज़ भी कर लीजिएगा आप, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से आप इसको ऐसे करके इरेज कर दीजिएगा। अगर आपका फ़ोटो सिंपल सिंपल सा है, मतलब ज़्यादा कुछ साइड में, मतलब आप कह सकते हैं कट वगैरह नहीं है, तो ये सिंपली अच्छे से सेलेक्ट कर लेता है फिर तो। बाकी थोड़ा थोड़ा जो फिनिशिंग वगैरह देना है वो आप सिंपली दे दीजिएगा जिससे फ़ोटो आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगे, क्लियरिटी आए आपके फ़ोटो में। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं इसमें दे रहा हूँ, अगर आपके ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है जैसे कि मैंने अभी आपको सिंपली एक एग्जांपल के लिए करके दिखाया है, तो सिंपली आपको क्या करना है अपना ब्रश ले लेना, ब्रश लेके आप फिर से उस पर क्लिक करेंगे जो जो आपको एरिया दोबारा से चाहिए, तो देख सकते हैं आप ये दोबारा से हमारा एरिया आ जाएगा। तो अभी फिर अब मैंने इरेजर को ले लिया, और फिर मैंने इरेजर लेने के बाद मैं फिर इसका थोड़ा सा फिनिशिंग दे रहा हूँ साइड साइड में, जो हमारा ये थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है, तो अभी मैं इसकी फिनिशिंग दे देता हूँ, थोड़ा सा इसका डाउन कर देता हूँ साइज, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मैं इसको और फिनिशिंग दे देता हूँ। अभी सिंपली जैसे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है, और अभी देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमारा अंदर की साइड भी रह रहा है, तो अंदर की साइड भी आपको कुछ इस तरीके से इरेजर लेके और आप इरेज कर दीजिएगा। यहाँ के लिए हमें थोड़ा सा और छोटा साइज चाहिए सिंपली, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने साइज छोटा सा ले लिया है। अभी हमारा सिंपली कंप्लीट इरेज हो गया है, बाकी आपको लास्ट में क्या करना है अपना ब्रश लेके और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा के अपने ऊपर ही, मतलब पूरा जो आपका एरिया सेलेक्ट है उसके अंदर चला देना है, जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ, जिससे होगा ये कि अगर बाई चांस वो थोड़ा सा अंदर का ले भी लेगा तो आपका सिंपली पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। तो अभी मैंने पूरा पिक को मतलब इरेज कर दिया है।